क्या नाम है आपका? शाइस्ता। क्या मामला है आपका? मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वालों ने इतना परेशान कर रखा है, हाथ पैर चलाए, मारा और ज़बरदस्ती हमको वहाँ से यहाँ थाने तक ला के यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तुम्हें घर पे नहीं रखेंगे, और घर से निकाल दें तो उसके बाद के रेंट पे लेके रखेंगे, जबकि उनके पास दो घर हैं, और अगर रेंट पे लेके रखेंगे तो उसके बाद अगर वो छोड़ दें या मेरे साथ की ज़बरदस्ती करें, मारपीट करें, बदतमीजी करें, तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? जब यहाँ सबके साथ रह के मारते हैं, बदतमीजी करते हैं। आपने इसकी शिकायत थाने पे की? क्या यहाँ पे सुनवाई उनकी ही तरफ से हुई, क्योंकि ये अबरार आए थे उनके साथ, उनकी उनके कहने पे यहाँ पे। अबरार कौन है? वो इस मोहल्ले की उनकी वाइफ सभासद थी। सभासद थी जी। अच्छा, ठीक। सुलह में क्या हुआ? सुलह में बस वही उन्हीं ने साइन करवा ली, जबरदस्ती की जो है, मतलब आप लेंट लेके रहिएगा और घर पे नहीं रखेंगे, और भाइयों को भी मेरे जबरदस्ती यहाँ पे भी हाथापाई करी, और वहाँ मोहल्ले में घर किसने आपके भाई से हाथापाई की? अबरार थे उनके, उनके जो मोहल्ले के लड़के थे, उन्होंने लड़कों को बुलाया इसलिए था। चौकी चार पार्षद वाला क्या मामला बताया जा रहा है? पार्षद आए थे क्या था? हाँ, ये पार्षद जो है वही है सभासद। पार्षद किसकी तरफ से आया था? उन्हीं की तरफ से, हस्बैंड की। आपके हस्बैंड की तरफ से जी। पुलिस क्या की उसने? पुलिस ने ज़्यादातर तो उन्हीं की सुनी। फिर क्या किया? फिर जो भी ये सुलहनामा लिखा पड़ी करवाई है वो फेवर उन्हीं का ही है। हमारे भाई को चौकी, आपके भाई को क्या कहाँ क्या कहाँ बैठा, क्या किया बैठा? यही थाने पर ज़बरदस्ती आता। आपके भाई क्यों बैठा लिया आप? उनको ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगाया कि जो है उन्हीं ने धमकी दी है सभासद को मारने की। आप बताइए कि वो एक सभासद और मेरा भाई दुबला पतला सीधा सा, वो उनको मारने की धमकी दे दिया, जबकि उनके ही लड़के यहाँ पे उनको मार रहे थे, तो वो पकड़ने के लिए गया कि ज़बरदस्ती मार के चले गए उसको, तो वो भाग गए लड़के सारे। आपके साथ कौन मारपीट कर रहा है? हस्बैंड।